एडीजी वीसी मीना, डीआईजी शलभ माथुर की क्राइम मीटिंग के बाद एसएसपी हेमराज मीना द्वारा जिले के क्रिमिनलों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान व कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखे जाने के लिए बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों के बाद चार्ज लेते ही इंस्पेक्टर बिलारी बनाए गए रविंद्र प्रताप सिंह ने गैंग बनाकर अवैध तरीके से धन अर्जित करने वाले व गौवध कर मांस का कारोबार करने वाले 9 लोगों पर गैंग स्तर की कार्यवाही की है, जिसमें बिलारी के गांव थावला निवासी इन सभी का गैंग लीडर अजीज, जावेद, बब्बू, शाहिद, शाहरुख, पप्पू, फर्रुख और मुंडा पांडे सत्तू नगला निवासी महबूब शामिल हैं। डीआईजी शलभ माथुर, एसएसपी हेमराज मीना के अभियान में जिन 9 अपराधियों पर गैंग स्तर की कार्यवाही की गई है, इंस्पेक्टर बिलारी रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया, सभी पिछले दिनों जिला कारागार से जमानत पर छूटे हुए हैं और जल्द ही इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर नए एसएचओ सिविल लाइन ने भी डीआईजी शलभ माथुर, एसएसपी हेमराज मीना के आदेश व सीओ सिविल लाइन अर्पित कपूर के निर्देशन में इंस्पेक्टर सिविल लाइन राम प्रसाद शर्मा द्वारा हरतला रेलवे स्टेशन निवासी शातिर बदमाश गुड्डू उर्फ वाजिद के साथ मझोला सोनकपुर निवासी नवनीत दोनों पर गैंग स्तर की कार्रवाई में लाते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीओ सिविल लाइन अर्पित कपूर ने बताया, दोनों अपराधी गैंग बनाकर अलग अलग थाना क्षेत्रों में जघन्य अपराधों की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। उधर इंस्पेक्टर थाना कटघर राजेश सिंह ने भी आला अधिकारियों के आदेशों को अमल में लाते हुए सीओ कटघर शैलजा मिश्रा के निर्देशन में मुंडा पांडे निवासी नाजिम और रियाजुद्दीन पर गैंग स्तर की कार्यवाही की है। इंस्पेक्टर कटघर ने बताया, दोनों शातिर अपराधी जिला कारागार में कैद हैं। इंस्पेक्टर कुंदर की सुनील कुमार ने भी इलाके के ही 2 भाइयों गौ तस्करों नसीम और वसीम पर गैंग स्तर की कार्यवाही करते हुए फरार चल रहे दोनों गैंग स्तर की तलाश शुरू कर दी है। ठाकुर द्वारा पुलिस ने भी गौ तस्करी व गौ वध के आरोप में गिरफ्तार किए गए नफीस, जो गैंग लीडर भी बताया जाता है, इसके साथ ही रिशान उर्फ मोहम्मद दिशान और इरफान पर गैंग स्तर की धाराओं में कार्यवाही की है। फिलहाल ये तीनों आरोपी जिला कारागार में कैद हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों 5 जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ हुई क्राइम कंट्रोल किए जाने की बैठक के दौरान एडीजी डीआईजी शलभ माथुर ने शासन आदेश और प्रमुख सचिव द्वारा जारी किए गए आदेशों की जानकारी देते हुए आला अधिकारियों को इस पर सख्ती के साथ अमल में लाए जाने के आदेश जारी किए गए थे, जिसमें वारंटियों के साथ इनामी और फरार आरोपी भी शामिल हैं। डीआईजी की इस क्राइम मीटिंग के बाद एसएसपी हेमराज मीना द्वारा चलाए जा रहे अभियान से अब तक जिले भर से 300 से अधिक वारंटियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीना ने हमारे क्राइम रिपोर्टर खालिद खान के साथ हुई वार्ता में बताया कि शासन आदेश पर डीआईजी शलभ माथुर व एसएसपी हेमराज मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान में सभी तरह के अपराधों की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ अब कानून व्यवस्था दुरुस्त रखे जाने के लिए सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसमें कल ही ग्रामीण इलाकों के थाना क्षेत्रों से 14 अपराधियों पर गैंग स्तर की कार्रवाई की गई है। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी इस तरह के अपराध करना छोड़ दें, अन्यथा सभी पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीना ने थाना प्रभारियों को भी आदेश जारी किए हैं, वो नए बदमाशों की हिस्ट्री शीटर तलाश करें, जिससे हो रही अपराधियों घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीना ने सख्त लहजे में ये आदेश थाना प्रभारियों को जारी किए हैं। उनका कहना है, पुराने अपराधियों का रिकॉर्ड आसानी से मिल सकता है, लेकिन नए अपराधियों की तलाश थाना प्रभारी के साथ उनकी टीम को ही करनी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जो शासन द्वारा अभियान चलाए गए हैं गोवंश के वध और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत, इसमें हमने कल 3 गैंगस्टर दर्ज किए। एक तो हमने मुकदमा दर्ज किया गैंगस्टर का बिलारी में, एक गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया हमने ठाकुर द्वारा में, एक गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया कुंदर के थाने में। आज भी और भी अभियान चलाया जा रहा है और आज भी कई गैंगस्टर होंगे। इस अभियान का उद्देश्य है जो गोवध के में जो संलिप्त हैं ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करना और एक सख्त संदेश देना कि इस तरह की गतिविधि कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, गुंडा डिमांड का कोई वार्निंग देना चाहेंगे सर? मैं सभी इस तरह के असामाजिक तत्व जो इस तरह की अपराधों में इन्वॉल्व हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि वो अपनी इस तरह की गतिविधियाँ छोड़ दें। अगर वो इस तरह की गतिविधियों से लिप्त रहेंगे तो पुलिस द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई। थैंक यू।